जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्व में चैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण दिन के आज हम लगभग 100 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। एमपी टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले, रीट एग्जाम की, सीटीईटी एग्जाम एवं अदर एग्जाम जिनमें भी पर्यावरण पूछा जाता है, ठीक है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये वन लाइनर प्रकार के प्रश्न होंगे। तो सभी लोग फटाफट से उत्तर भी आपको बताना है, कुछ टाइम भी आपको दिया जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। और दोस्तों, आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको पता ही है। और फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन। ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रेड। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न क्रमांक एक है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस जो मनाया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की अगर बात होती है तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है तो ये स्थित है दोस्तों देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून वन्य जीव संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में स्थित है। वन्य जीव संस्थान भी कहां पर है, देहरादून में स्थित है। अगला है ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें बताना है। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डेसीबल। ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई है वो कहलाती है डेसीबल, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की जो थीम थी, जो विषय था वो क्या था, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बीट वायु प्रदूषण। ये 2019 का विषय था, थीम थी, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है तो क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है दोस्तों वो डॉप्सन यूनिट है। क्या है, डॉप्सन या फिर डीबी कहा जाता है, ठीक है, डॉप्सन यूनिट याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह है तो कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। जुड़वा और प्रेशर कुकर कौन सा है, या जिसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है वो ग्रह है शुक्र, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह है तो शुक्र। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हमें बताना है। सर्वाधिक भूकंप वाला देश जो है वो कौन सा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो सर्वाधिक भूकंप वाला देश है वो है जापान। कौन सा देश है, जापान, ठीक है, याद रखना है। समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें कहलाती हैं तो क्या कहलाती है, समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें क्या कहलाती है, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमें बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनामी। समुद्र में उठने वाली जो भूकंपीय लहरें हैं वो कहलाती है सुनामी। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 9, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। नेक्स्ट है, कपास किस प्रकार की फसल है, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है। कपास किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ की फसल, ठीक है। कपास किस प्रकार की फसल है, खरीफ। सेरिकल्चर संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 11, तब राइट आंसर होगा रेशम उत्पादन से। सेरिकल्चर संबंधित है रेशम उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 12, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तब राइट आंसर क्या होगा, किण्वन, क्या कहा जाता है, किण्वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है तो कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 13, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्कर्वी। कौन सी है, स्कर्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एनीमिया किसकी कमी से होता है, प्रश्न क्रमांक 14, एनीमिया किसकी कमी से होता है,
तो बिल्कुल सही आंसर होगा आयरन की कमी से, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। डेंगू रोग का वाहक है तो क्या है, प्रश्न क्रमांक 15, डेंगू रोग का वाहक हमें बताना है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा एडीज मच्छर। एडीज जो मच्छर है वो डेंगू रोग का वाहक माना जाता है इसे। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 16, तो किस रोग के लिए, क्षय या फिर टीबी रोग के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर बताना है हमें, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। शारदा एक्ट संबंधित है तो किससे संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 18, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। जिस परिवार में माँ बाप और उनके विवाहित बच्चे रहते हैं वो परिवार कहलाता है, क्या कहलाता है, विवाहित बच्चे, तो वो परिवार कहलाता है दोस्तों अविवाहित, सॉरी अविवाहित बच्चे रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, एकल परिवार। माँ बाप और अविवाहित बच्चे रहते हैं वो है एकल परिवार, ठीक है। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है तो कौन सा है, 20 का उत्तर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने वाला जो हार्मोन्स है वो एथिलीन है, ठीक है। बर्फ के बने घर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मैंने कई बार जब विस्तृत अध्ययन वाली जो वीडियो है वो जरूर देखें आप, बर्फ के बने जो घर हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इस इग्लू, ठीक है। और ऐसी क्यों जनजाति जो होती है उनके घर बने होते हैं बर्फ के, ये अस्थाई घर होते हैं और इन्हें इग्लू कहा जाता है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 22, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल बताना है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख जो मरुस्थल है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है इसे, प्रश्न क्रमांक 22 का। नेक्स्ट बात है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, प्रश्न क्रमांक 23, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो जबलपुर है दोस्तों वो नर्मदा नदी के किनारे, किसके किनारे, नर्मदा नदी के। चंद्रयान मिशन 1 कब भेजा गया, प्रश्न क्रमांक 24, तो राइट आंसर होगा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन फर्स्ट भेजा गया था। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है तो कहां पर स्थित है, 25, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 26, राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट है, पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर 27 का आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर होगा अमिताभ बच्चन जी। पल्स पोलियो अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर वो अमिताभ बच्चन है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 28, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तब बिल्कुल सही है मुंबई, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है, प्रश्न क्रमांक 29, और राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन, किसका है, चिपको आंदोलन का। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, प्रश्न क्रमांक 30, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, समताप मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे निम्न तापमान किस मंडल का होता है, सबसे निम्न तापमान बताना है, 31 का आंसर, तो किस मंडल का हो जाता है, मध्य मंडल का, सबसे निम्न तापमान होता है मध्य मंडल। नांगोया प्रोटोकॉल संबंधित है, 32, नांगोया प्रोटोकॉल, तो वो संबंधित है जैव विविधता से, किससे संबंधित है, जैव विविधता। हॉकी के जादूगर किसका उपनाम है, प्रश्न क्रमांक 33, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद, ठीक है। दोस्तों बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रश्न क्रमांक 34,
आपका सही उत्तर होगा 9। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 35, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, 29 अगस्त, 29 अगस्त को। नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 36, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है? सभी को उत्तर बताना है। तब आपका इलायची की पहाड़ी की किस राज्य में ऐसा पूछा गया, तो दोस्तों मैं बता दूं कि 26% जो है वो केरल और 74% है वो तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रकार से केरल और तमिलनाडु में इलायची पहाड़ी स्थित है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। भारत का रूर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? 38 का आंसर बताना है। तो भारत का जो रूर कहा जाता है वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, भारत का रूर। काराकोरम दर्रा स्थित है तो कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 39, काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है दोस्तों, माजुली द्वीप किस नदी में है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, और ये किस नदी में है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पर? ब्रह्मपुत्र। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा महानदी को। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, महानदी पर, और ये उड़ीसा का शोक इसे कहा जाता है। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर बताना है। भूमध्य रेखा को दो बार जो काटने वाली नदी है वो है कांगो नदी। कौन सी है? कांगो। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? प्रश्न क्रमांक 43, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं फूल से। किससे? फूल से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्यों है चमगादड़ स्तनधारी? आपको पता है स्तनधारी की परिभाषा, क्योंकि वे क्या देती है? बच्चे देती है, इसलिए यह क्या है? स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर हमें बताना है। पौधों में जल का अधिग्रहण होता है तो किसके द्वारा होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जाइलम के द्वारा। पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों, परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, काल और लोग का सूत्र स्थापित किसने किया? परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, काल और लोग का जो सूत्र स्थापित किया वो किसने किया? 46 का आंसर, और राइट आंसर होगा फ्रेडरिक लेपले ने। किसने? फ्रेडरिक लेपले। अगला है, मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है? मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार हमें बताना है क्या है, तो वो है वंशक्रम। क्या है? वंशक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप बताना, प्रश्न क्रमांक 48। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है, परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था पितृसत्तात्मक। द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है? द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है? 49 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? डेविड कूपर। कौन है? डेविड कूपर द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नातेदारी और वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? किसको? नातेदारी को। वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो किसने किया? प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एल एच मॉर्गन। किसने किया है? एल एच मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन है, अहमत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत परिवार है? ये किसने मत प्रस्तुत किया? 51 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मार्क्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलदली भूमि के पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? दलदली भूमि के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्न क्रमांक 52। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राइजोफोरा।
क्या कहलाते हैं? राइजोफोरा। ठीक है, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शुष्क जलवायु क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? 53 का आंसर बताना है आपको, और राइट आंसर आपका हो जाएगा मरुभूमि के पौधे। क्या कहलाते हैं? मरुभूमि के पौधे। नेक्स्ट दोस्तों, कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? प्रश्न क्रमांक 44 का आंसर बताना है, कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। किसका है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न क्रमांक 55, आयोडीन से की कमी से होने वाला जो रोग है वो रोग है दोस्तों घेंगा, या फिर जिसे गाइटर कहा जाता है। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? प्रश्न क्रमांक 56 का आंसर बताना है, चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विटामिन B1, जिसे कि थायमिन जिसका रासायनिक नाम है। ठीक है, तो चावल में पॉलिश करने में विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहा जाता है? 57 का आंसर बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोज। क्या कहा जाता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लेग एक बीमारी है, और प्लेग से होने वाला जो अंग है, प्रभावित होने वाला अंग है, वो है फेफड़ा। अगला है, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया था तो किसने किया था? 59 का उत्तर, और राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध कार्य करने वाले जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 60 का आंसर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अरस्तु। ठीक है, बांस के खंभों पर बने घर पाए जाते हैं तो कहां पर पाए जाते हैं? बांस के बने खंभों पर जो घर बने होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं असम में। कहां पर? असम। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 62, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमें बतानी है, और राइट आंसर आपका क्या होगा? कैस्पियन सागर झील। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में 63 का आंसर, और राइट आंसर होगा सांवर झील, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 64, एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवल लमझाओ, है ना, कैम लमझाओ मणिपुर में है, लोकटक झील में। भूकंप उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 65 का आंसर बताना है यहां पर, और राइट आंसर होगा प्लेट विवर्तनिकी। भूकंप उत्पन्न होने का प्रमुख कारण माना जाता है प्लेट विवर्तनिकी। वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 66 का आंसर बताना है यहां पर, तो वर्षा की बूंदों का जो गोल होने का कारण है वो क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव है। धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला पदार्थ होता है तो कौन सा होता है? प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर, धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला जो पदार्थ है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य तो होता है तो क्या होता है? पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य बताना है तो वो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है तो काय की तकनीक है? निदानात्मक मूल्यांकन की। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर, प्रश्न क्रमांक 70, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो। क्या है? पोर्टफोलियो। प्रश्न क्रमांक 70 का। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 71। राइट आंसर होगा 1 जुलाई को। नेक्स्ट है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो कहां पर स्थित है? 72 का आंसर यहां पर बताना है। राइट आंसर होगा असम में।
किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? 73 का आंसर बताना है, किस विटामिन की कमी से? तो राइट आंसर क्या होगा, विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? 74 प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट जो स्रोत होता है वो होता है सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 75। तो राइट आंसर होगा वायरस, विषाणु, ठीक है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है विषाणु। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? 76। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट, है ना, केंचुआ के द्वारा बनाया गया जो खाद होता है वो वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है तो किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 71। और राइट आंसर हो जाएगा बागवानी फसलों के उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? 79 भूरी क्रांति किससे संबंधित है? फिर आपका राइट आंसर होगा उर्वरक उत्पादन से, भूरी क्रांति। रबी फसल की बुआई की जाती है, प्रश्न क्रमांक 80, तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है रबी फसल की बुआई। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? प्रश्न क्रमांक 81। तो किसमें नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 82 का आंसर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। मक्का किस प्रकार की फसल है? प्रश्न क्रमांक 83 और राइट आंसर होगा खरीफ की, मक्का होती है खरीफ की फसल। जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदारी चिन्ह जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो किस कारण से होते हैं, वो होते हैं दोस्तों जलवायु के कारण। विटामिन शब्द किसने दिया? 85 का आंसर बताना है आपको, विटामिन जो शब्द है वो किसने दिया? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फंक ने, विटामिन शब्द देने वाले हैं फंक, ठीक है। विटामिन की खोज नहीं की फंक ने, जबकि विटामिन शब्द दिया है इन्होंने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 86। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? 87 का आंसर, राइट आंसर होगा चील। भारत के किस राज्य में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? प्रश्न क्रमांक 88। तो किस राज्य में होती हैं? वो होती है हिमालय क्षेत्र में। दूधराज किस प्रदेश का राजकीय पक्षी है? 89 दूधराज बताना है किस प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश का। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहां है? 90 का उत्तर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही है नागपुर, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर में। गोल क्रांति संबंधित है 91, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आलू श्वेत क्रांति के जनक कौन है? 92 का उत्तर बताना है आपको, और आपको पता भी है तो जल्दी से कमेंट पे लिखें, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन थे? वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन। वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 93, तो वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं वो 5। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? 94 का आंसर बताना है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो कौन सा है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कोटोपैक्सी,
कौन है? कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? 95 का आंसर यहां पर बताना है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और वो ज्वालामुखी है वेरन अंडमान द्वीप। अगला है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? 96 का उत्तर हमें बताना है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सीस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमृत क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है अमृत क्रांति? प्रश्न क्रमांक 98, और उत्तर हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में प्रयुक्त तो होने वाली प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रश्न क्रमांक 99 का उत्तर बताना है, तो वो कहलाती है क्या? सीएनजी गैस। नेक्स्ट है, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? प्रश्न क्रमांक 100, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो वीरबल साहनी है। कौन है? वीरबल साहनी। ठीक है, तो यहां पर हमने पर्यावरण के 100 प्रश्न देखे, वो पर्यावरण के 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, इससे पहले 100 प्रश्न वाला वीडियो फर्स्ट वाला जरूर देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी यहां पर दिया है, यूट्यूब चैनल का नाम सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन आपको सर्च करना है, ट्विटर पर भी सुमित जैन, और टेलीग्राम पर सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक करके शेयर करें, बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट पर जाकर के देखना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।